बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, किरचॉफ सेकंड रूल के आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन कर चुके थे, उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेकंड रूल सेज किरचॉफ के किसी भी सर्किट या क्लोज लूप में सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। दो चीजों का सम जीरो कैसे हो सकता है? तभी जब उनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव हो आपस में, राइट? तो इनके साइंस कहाँ प्लस और कहाँ नेगेटिव होंगे, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन एक थोड़ा सा रीकैप कि कंसीडर करें, ये एक सेल है, सोर्स है, कोई भी सेल, बैटरी, कुछ भी हो सकता है। उसकी हर सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई करता है उसे कहते हैं ईएमएफ। जैसे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल लेते हैं, नेगेटिव को एज लो पोटेंशियल। तो वेन एवर वी विल मूव अलोंग अ पाथ, वो पाथ में क्वेश्चन में गिवन होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह यू विल कम टू नो। और हम जा रहे हैं इस तरफ, यानी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो लो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, ये चेंज नेगेटिव होगा, ईएमएफ विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। और जब भी हम ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हाई की तरफ जाना पॉजिटिव चेंज है, इंक्रीज होना, ईएमएफ विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आईआर। आईआर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई करंट है और ये एक रेजिस्टर है आर, और इसमें से एक करंट गिवन होता है नॉर्मली। और करंट की डायरेक्शन भी गिवन है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। तो ये करंट जा रहा है। अगर हम ऐसे पाथ को फॉलो करें जो करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट भी जाता है हाई से लो, हम भी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लो की तरफ जाने वाला जो चेंज है वो नेगेटिव है, माइनस आई आर लेंगे। और जब हम करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, आई आर विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। ये लास्ट टाइम मैं क्लास में शेयर कर चुका हूँ यहाँ तक। अब क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? क्वेश्चन एक सर्किट गिवन है, ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली क्लास के लिए ड्रॉ किया था, तो कनेक्शन वॉज नॉट हेल्पिंग, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सर्किट है, उसमें दो सोर्सेज ईएमएफ E1, E2 ईएमएफ वाले हैं, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2 है, और पांच रेजिस्टर्स हैं। और उनके हर सर्किट के पॉइंट का नाम कोई ना कोई हमने अपनी पहचान के लिए सर्किट में वैसे गिवन होगा, तो वो रखा होता है सर्किट में ही, उन्होंने क्वेश्चन में ही गिवन होता है। तो जैसे ABCDEF, ये पॉइंट्स के नाम है, ठीक है, पहचान के लिए रेफरेंस पॉइंट्स, इनके नाम ये सर्किट में गिवन होते हैं। अच्छा, उसमें एक इंफॉर्मेशन है करंट, यहाँ करंट गिवन है I1, यहाँ करंट है I2 और ये है I3। अच्छा, यहाँ ना एक चीज आपने ध्यान में रखनी, ये करंट यहाँ दे रहा है I1, लेकिन यही क्वेश्चन में है कि आपने ये कंसीडर करना है कि I1 इधर जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर है। एक वायर में क्या दो करंट हो सकते हैं? एक ही तो रास्ता है, एक ही तो वायर है, एक ही करंट होगा। तो यहाँ I1 है तो करंट इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तो यहाँ भी करंट I1 है, यहाँ भी करंट I1 है, और यहाँ भी करंट I1 है। अच्छा, यहाँ इसने I3 बताया, तो इट मीन्स कि यहाँ भी करंट I3 है, एक ही डायरेक्शन, यहाँ करंट I2 बताया उसने, तो ये आपने कॉमन सेंस रखनी कि ये सारी में I2 है और उसी डायरेक्शन में गिवन होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के यूजुअली तीन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज करंट्स। रिलेशन मतलब फॉर्मूला या इक्वेशन क्या होगी। तो आपने ना कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां ये तीनों करंट्स कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर देखे ना, यहाँ पर तीनों वायर्स यहाँ और यहाँ, आप इनमें से कोई भी ले ले पॉइंट, ये पॉइंट एफ ले ले या सी, आंसर सेम आ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखें सी पर, तो I1 और I2 यहाँ से लीव कर रहे हैं और I3 एंटर हो रहा है, राइट? तो I1 और I2 यहाँ से लीव कर रहे हैं और I3 एंटर हो रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? करंट का रिलेशन किरचॉफ फर्स्ट रूल होता है। तो करंट एंटरिंग द पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग द पॉइंट, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो इजी है। नेक्स्ट, यहां तक फर्स्ट रूल यूज हुआ, सेकंड रूल अगले पार्ट में यूज होगा, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है,
इट विल बी आस्क डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन करंट्स रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ्स. अच्छा जब खाली करंट्स के तो किरचॉफ वन फर्स्ट रूल, जब वो कहे ना करंट्स रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ्स में रिलेशन बताएं, तो आई और आर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ किस में आ जाते हैं? सेकेंड रूल में. सेकेंड रूल अप्लाई करेगा लेकिन वो कुछ बताएगा साथ में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. जैसे वो पूछेगा फॉर लूप ए बी सी एफ ए, तो जहां से स्टार्ट हुआ वही एंड, इसे कहते हैं लूप. क्लोज लूप या क्लोज पाथ जहां से स्टार्ट करें वहीं से. तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पर ही एंड है. आपने इस पाथ को फॉलो करना है, आपने इस पाथ को फॉलो करना है और इसमें दो चीजें कैच करनी है, एक ईएमएफ और एक आईआर. बस ईएमएफ और आईआर पोटेंशियल डिफरेंस है, बाकी रह जाएंगे उनके साइन. अब देखिए जरा, देखिए बेटा हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं. पहले हम ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी, सी से एफ और ए से एफ से ए. हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं. तो पहले ए से बी जाए तो सबसे पहले आती है ईएमएफ, ईवन लिख दिया. उसके बाद रजिस्टर है, तो जब भी रजिस्टर हो तो हमने आईआर लेना है. तो इस आई के लिए, इस आर के लिए, आर वन के लिए आई कौन सा गुजर है? आई वन. तो उसके लिए आई वन आर वन. ये हम ए से बी तक पहुंचे, एक ईवन और एक आर आई. तो जब भी आर रजिस्टर आएगा तो आईआर लेंगे, ईएमएफ है तो ईएमएफ ही लेंगे. सोर्स या बैटरी आ रहेगी तो उसकी ईएमएफ यानी ई ही लेंगे बस. तो ए से बी ईएमएफ ईवन और रजिस्टर आ गया स्मॉल आर वन, तो आई वन स्मॉल आर वन क्योंकि इसका करंट आई वन. फिर आ जाते हैं हम बी से सी. बी से सी एक ही रजिस्टर है, तो जब रजिस्टर है तो आई आर लेंगे और उसका करंट क्या है? आई वन, आई वन आर वन बी से सी. फिर सी से एफ, वहां भी एक ही रजिस्टर आई आर लेंगे आर टू और उसका करंट आई थ्री है, आई थ्री आर टू. फिर एफ से ए, यानी हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं. पहले ए से बी, फिर बी से सी, सी से एफ, एफ से ए आएंगे. एफ से ए में आर थ्री है और उसका करंट आई वन है, तो आई वन आर थ्री, राइट. अब किसी भी सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इज इक्वल टू जीरो रख दिया. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो इनके साइंस, वो कैसे? बेटा जी जब हम ए से बी आ रहे हैं, हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ए से भी आते हुए हम हाई से, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़े वाला हाई होता है, लो, हाई से लो की तरफ आ रहे हैं. तो हाई से लो की तरफ आ रहे हैं तो साइन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव, लो की तरफ. अच्छा ये स्मॉल आर वन के लिए आई वन आर वन उसका पोटेंशियल है, तो हम जा रहे हैं, हम इस पाथ को फॉलो कर ए से बी, हम यानी इधर जा रहे हैं ना ए से बी की तरफ, और करंट ऊपर है, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं. तो करंट के जब भी ऑपोजिट जाए, करंट हाई से लो जाना है और ऑपोजिट जाने का मतलब लो से हाई जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइन नहीं है. फिर बी से सी जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा, फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो करंट के अगेंस्ट जाए तो पॉजिटिव, ये ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके. करंट के डायरेक्शन में जाना है तो आई आर विल बी टेकन टू बी नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट तो आई आर विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट. यहां पर एक्सप्लेन भी हो गई. अच्छा फिर अब हम जा रहे हैं बी से सी, बी सी से एफ, तो सी से एफ हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. और जब हम एफ से ए जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है, हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो देन अगेन विल बी टेकन. तो ये है साइंस की कन्वेंशन. अच्छा इसका एक और पार्ट करते हैं, उससे ये और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में. इसी तरह पास्ट पेपर में क्वेश्चन में देगा. फॉर फिर रिलेशन फाइंड करें करंट रजिस्टर ईएमएफ में फॉर द लूप ए बी सी डी ई एफ ए. अच्छा जहां से स्टार्ट हो रहे वही एंड हो रही है, लूप होता है. अच्छा वो लूप ए बी सी डी, यानी हमें इस पाथ को फॉलो करना है. बी सी के बाद डी जाने का मतलब इधर नहीं जा रहे हम, सी से डी फिर ए फिर एफ फिर ए. तो अब हम ना इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उनमें मौजूद ईएमएफ लेंगे ई और पोटेंशियल डिफरेंस आईआर लेंगे. और वो मैंने एक मरतबा एहतियातन पहले लिख ली, जैसे ए से बी आते हुए ईएमएफ ईवन और पोटेंशियल डिफरेंस आईआर वन आई वन आर वन. फिर बी से सी आई वन कैपिटल आर वन. फिर सी से डी जाएंगे तो यहाँ करंट आई टू आर फोर. फिर यहाँ से आई टू आर टू. फिर ईएमएफ ई टू. फिर यहाँ करंट आई टू आर फाइव. यहाँ करंट आई वन आर थ्री.
हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस और ईएमएफ ले ली और सबका सम जीरो होता है। अब हम साइज कन्वेंशन ले रहे हैं तो हम फॉलो करें ये पास, हम ए से पहले बी जा रहे हैं, ए से बी इधर जा रहे हैं, तो यानी अगर ऐसे जाएंगे तो हाई से लो किधर जा रहे हैं, तो लो किधर जा रहे हैं नेगेटिव, और इधर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वी विल टेक इट एज पोटेंशियल डिफरेंस टू बी पॉजिटिव। इधर भी करंट के ऑपोजिट है। अच्छा, अब जब सी से डी जा रहे हैं तो करंट भी इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जाए इट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। फिर डी से ई जाते हुए इसमें से करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी डी से ई इधर ही जा रहे हैं, विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। अच्छा, इस बैटरी के लिए देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव, नेगेटिव लो, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी हाई की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव। फिर इधर देखें करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, लेकिन यहां देखें एफ से आगे, एफ से जब ए की तरफ जाते हैं, एफ से ए की तरफ करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है और आई होप ये सेकंड क्वेश्चन समझने से पास्ट पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें ये कि ईएमएफ बड़ी बैटरी को छोटी बैटरी उसकी ईएमएफ ई टू है, ठीक है, इसमें दो रेजिस्टर्स आर वन आर थ्री नजर आ रहे हैं, ये आर थ्री, और ये बीच में एक बड़ी सी वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है जो बिल्कुल इसके सेंटर पर है, यानी इसके इधर आधी रेजिस्टर, इसके इस तरफ भी आधी रेजिस्टर, राइट, कैपिटल आर टू जो उनसे है ना, हाफ आर टू इधर और हाफ आर टू इसके इधर है, और इसमें इंफॉर्मेशन ये आई वन है और ये आई टू है, ये आई थ्री है। तो सबसे पहला पार्ट जो नॉर्मली वो पूछता है वो होता है रिलेशन बिटवीन करंट्स, यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो यहाँ ना एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ सिर्फ आई वन गिवन है, तो एक सीधी लाइन में करंट सेम रहता है, यहाँ आई वन है, यहाँ भी आई वन है, यहाँ भी आई वन, यहाँ भी आई वन। अच्छा, एक खास बात, ये भी एक सिंगल पाथ है, यहाँ ये वाला, यहाँ से यहाँ भी जो करंट है वो यही है जो इस पाथ में चल रहा है, आई वन। अच्छा, यहाँ आई टू है तो यहाँ भी आई टू है, और ये सारे पाथ पे हर जगह आई टू है करंट। अच्छा, यहाँ देखे आई थ्री है तो इस वाले हिस्से में भी आई थ्री, ये, लेकिन यहां आकर पाथ, क्योंकि दो पाथ कंबाइन हो गए तो यहां आई, यहां करंट फिर आई वन, राइट। अब इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम एक ऐसा पॉइंट चूज करें जहां ये सब करंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये देखें आई वन और आई टू एंटर हो रहे हैं और आई थ्री यहां से लीव हो रहा है, तो ये करंट्स मैंने लिखा हुआ है आई एस, कुछ और नहीं, करंट्स में रिलेशन क्या होगा, तो करंट एंटरिंग, एंटर क्या हो रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, आई वन और आई टू इज इक्वल टू करंट लीविंग आई थ्री। इसके अलावा इस पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं कि यहां पर आई वन और आई टू लीव कर रहे हैं और आई थ्री एंटर हो रहा है, इक्वेशन यही बनेगी, रिलेशन वही बनेगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट में वो कहेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट्स रेजिस्टर्स एंड ईएमएफ, यानी सेकेंड लॉ, पाथ वो खुद बताएगा फॉर द लूप ए से, ये हमने पाथ को फॉलो करना है, वी डोंट हैव टू थिंक मच, तो हमने पाथ को फॉलो करना है। तो पहले पाथ में ए से बी सी डी, ए से ए बी सी डी, यानी ये पाथ है पहला, तो हमने क्या लेनी, दो चीजें लेनी, कोई बैटरी है तो ईएमएफ ले लेनी है, तो अगर कोई रेजिस्टर है तो आईआर ले लेनी। उसमें देखिए पहले हम ए से बी जाते हैं, तो देखिए ए से बी कुछ भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टर ना ईएमएफ है, तो कुछ भी नहीं लेंगे। फिर हम जाएंगे बी से सी, हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो बी से सी जाएंगे तो ये आधी रेजिस्टर आ जाती है आर टू ओवर टू, और उसमें जो करंट है वो आई थ्री है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, इसका करंट आई थ्री है और रेजिस्टर आर टू का हाफ है। फिर जब सी से डी जाते हैं तो फिर अगेन रेजिस्टर बाकी की हाफ, आर टू का हाफ आ जाएगा, लेकिन यहां करंट इंपॉर्टेंटली आई वन है, यही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां करंट ये आई वन है, तो एक लाइन में एक ही करंट होता है, यही सबसे इंपोर्टेंट, जिसकी वजह से ये मैंने क्वेश्चन करवाया, आई वन आर टू का हाफ। फिर डी से ई कुछ नहीं है, फिर ई से ए जाए तो पहले ये रजिस्टर आता है, तो हम आई वन आर वन और फिर ई एम एफ ई वन। अब रह जाती बात साइंस की, तो यहां हम बी से सी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब भी करंट की डायरेक्शन, करंट हाई से लो किधर जाएगा तो नेगेटिव, सी से डी भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव, यहां भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव, लेकिन ये यहां लो
टर्मिनल नेगेटिव से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो हाई की तरफ जा रहे हैं, दिस विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, नाउ फॉर द नेक्स्ट लूप। अच्छा जी, इस पाथ के लिए ए से बी जाना है हमने, वहां कुछ नहीं, फिर बी से एफ जाना है, तो बी से एफ के दरमियान भी कुछ नहीं है, हमें पाथ को फॉलो करना होता है, वी डोंट हैव टू यूज अवर ब्रेन इन पाथ, पाथ को फॉलो करें। फिर एफ से जी जाए तो हाँ, अब ई एम एफ आ रही ई टू, और रेजिस्टर है आर थ्री, उसका करंट आई टू, आई इंटू आर लेंगे, यानी आई टू आर थ्री। फिर जी से सी कुछ नहीं, सी से डी तक हाफ रेजिस्टर आ रहा है, यानी आर टू का हाफ आ रहा है और करंट आई वन। फिर डी से ई कुछ नहीं है, ई से ए जाए, हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले आई वन आर वन आ रहा है, तो आई वन आर वन और फिर ई एम एफ ई वन, और सबका सम जीरो होता है। अब रह गए साइंस, तो जैसे हम यहां जा रहे हैं ना, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव हाइट पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव चेंज है। और जब इसके लिए आते हैं ना, तो हम जा रहे हैं एफ से जी की तरफ, करंट आ रहा है इधर से, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। अच्छा, सी से डी जाते हुए हम सी से डी जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव, करंट लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसके अगेंस्ट जाना मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ जाना पॉजिटिव। ई से ए की तरफ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन नेगेटिव। अच्छा, यहां जा रहे हैं लो से हाई, हम इस तरह जा रहे हैं ई से ए की तरफ, तो दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। दैट इज ऑल फॉर द किरचॉफ्स रूल।